शेर सुनाती हूँ। आज के अखबार की सबसे अच्छी खबर हो तुम, जो अच्छी खबर के इंतज़ार में हैं उनके लिए सब्र हो तुम। दिन चढ़ने का हल्ला और शोर हो तुम, उड़ती पतंग की लहराती हुई डोर हो तुम। नीम ख्वाबों में उगते हुए सूरज की लाली हो तुम, मेरी सुबह चाय की प्याली हो तुम, मेरी सुबह की चाय की प्याली हो तुम। मैं शेर व शायरी नहीं सुना के, जब ये टॉपिक हुआ तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपनी चाय से जुड़ी हुई यादों को सुनाऊं। तो शादी के मतलब सबसे पहले तो ये चाय का जो है ना, ये चाइना में एक राजा थे ब्रिटिश से भी पहले, तो उनकी चाय में कहीं मतलब उनके पानी में कोई पत्ता सा गिर गया तो उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा तो उन्होंने उसको चाय कहना शुरू कर दिया। और तो ब्रिटिशर्स को वो बहुत महंगी बेचने लगे या कुछ ऐसा, तो उनको दी नहीं या कुछ था, तो वही सेम पत्ते उनको ब्रिटिशर्स को आसाम में मिल गए, तो वहाँ से इंडिया में चाय का शुरू हुआ और ब्रिटिश रूल में ही ये चाय शुरू हुई थी, उससे पहले चाय नहीं थी। और हमारी मम्मी ना हमें बिल्कुल चाय नहीं पीने देती थी शादी से पहले, कभी चाय मांगते थे बोले काली हो जाओगे काली हो जाओगे, और इस डर से हम पीता भी नहीं था शायद काले हो जाएंगे। अच्छा हो गया ना, तो बोरी रही, वेरी गुड। नहीं मेरे हमारा देखो क्या हाल हो गया, हमारा हाल क्या हो गया, चाय पी के पी के। और चाय हमने मतलब मैंने शादी के बाद ही पी है, उससे पहले कभी चाय नहीं पी थी। हाँ सच्ची में। और ब्रेली, हम लोग ब्रेली में रहते थे तो वहाँ पे स्टेशन पे चाय बहुत पीने जाते थे। एक बार हम लोग स्टेशन पे चाय पीने गए और हमारी जब तक चाय बन रही थी तो एक ट्रेन आके रुकी और सामने खिड़की पे मेरे एक कज़न मामा जी और मामी जी थे, तो हम लोग उनसे बातें करने लगे, अपनी वाली चाय हमने उनको ही दे दी क्योंकि ट्रेन में थे, तो हमने कहा आप ये लीजिए हम बाद में पी लेंगे। और उन्होंने हमें एक बड़ा सुंदर सा मिठाई का डब्बा दिया, वो एक अपने भाई की शादी अटेंड करके आ रहे थे, और इतनी अच्छी दिल्ली की मिठाई, और तब हम लोग मतलब 75 की बात है, बहुत यंग भी थे, तो बड़ी ऐसी चीज़ें ना बड़ी लगती थी, हाँ कितनी अच्छी है मिठाई और ये ना, तो वो बात मुझे अभी तक नहीं भूलती कि वो मिठाई हमें उस चाय के कारण मिली थी। अगर हम चाय पीने नहीं जाते तो कहते हैं ना जब चीज़ मिलनी होती है तो वो अपने आप हमारे पास आ जाती है चल के, तो वही हुआ कि वो चल के मिठाई हमारे पास आ गई, और उस मिठाई की जो स्वाद है और वो है ना वो अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है। तो ऐसे ही इंडिया में हमारे जैसे सेपरेट चाय बनाते थे, ट्रे में लगानी, किसी मेहमान ने आना ना तो बड़ी सुंदर सी ट्रे निकालनी, उसमें सेट में चाय सेपरेट बनानी और फिर सुंदर कश्मीरी टिकोजी से उसको ढक के रखना कि ठंडी ना हो जाए, और वो कप्स में चाय पीने का जो मज़ा था ना वो अब वो बड़े बड़े मग में पीने का रहा नहीं है। और जब हम लोग 2004 में यहाँ पे आए और हम तो इंडिया से जब पहली बार पहुँचे तो एयरपोर्ट में हमने चाय ली एले में, तो उन्होंने क्या किया गर्म पानी डाला और गिलास हमें पकड़ा दिया गत्ते का वो जो पेपर वाला था, तो मैंने खोला, मैंने अपनी बहू को कहा इसे चाय तो है ही नहीं पानी है, तो बोलती हाँ मम्मी चाय तो नहीं है, क्योंकि वो भी पहली बार मेरे साथ यहाँ आई थी। फिर हमने उसे पूछा तो वो बोलता है ये सब सामान पड़ा है, टी बैग्स हैं, दूध है, ये है वो है, तो यहाँ आके मतलब हमारा इतना अजीब सा एक्सपीरियंस था कि ये कोई चाय है मतलब कोई ऐसे तो देता हमने तो कभी नहीं देखी, हमारे एयरपोर्ट्स पे जहाँ हमारी ट्रेन्स में जाओ कहीं भी जाओ इतनी बढ़िया चाय मिलती थी, तो ये अमेरिकन अंदाज है चाय का। और फिर हमारी बहू ने एक बार मम्मी में बोला मम्मी आपका बर्थडे है ना मैं आज आपको ना हाई टी पे लेके चलूँगी, मैंने हाई टी सुबह सुना ही नहीं था, मैंने कहा ये हाई टी क्या होती है, बोलते मम्मी आप चलोगे ना तब आपको पता चलेगा, पहले मैं ना आपके नेल्स बनवाऊंगी, तो मैंने कहा शेशी को भी लेके मम्मी को भी लेके जाए, बोली नहीं 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 आप और मैं ही जाएंगे क्योंकि आपका बर्थडे है और आपको मैंने करना पैम्पर। तो उसने पहले मेरे नेल्स बनवाए, फिर मुझे सैन होजे डाउन टाउन में कॉफ़ी शॉप पर लेके गए और चाय की शॉप पर लेके गए जहाँ हाई टी मिलती थी, सुंदर क्रॉकरी में इतनी अच्छी चाय, और साथ में हमने सैंडविच वगैरह लिए और बैठ के हम दोनों ने कम से कम 1-2 घंटे बैठे, हमने खूब बातें की, और मतलब उस दिन हमारा जो आपस में बॉन्डिंग थी उस चाय पे
शायद हाई टी इसीलिए बनी है कि वहाँ जाके इतनी हाई बॉन्डिंग हो जाती है. तो बहुत ही मतलब ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस था. अभी कुछ दिन पहले हमारा बेटा बोला, मम्मी शाम को 4 बजे तैयार हो जाना, घर की सब लेडीज को ना मैं हाई टी पे लेके जाऊँगा, मुझे मेरी बहू को और शशि को, आप तीनों जाएंगे. मैंने कहा नहीं, पापा को थोड़ा घर छोड़ जाए. नहीं नहीं, आज लेडीज डे है, हम आप तीनों को लेके जाएंगे. वो हमें लेके गया कैंबल में, इतना अच्छी क्रॉकरी, बस खत्म हो रहा है. बहुत अच्छी क्रॉकरी, इतनी सुंदर थी और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और सब कुछ था. तो ये एक ब्रिटिश अंदाज है, ये हाई टी का अंदाज जो है ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन नहीं है. अमेरिकन तो पानी डाल के दे देते हैं कि भैया अपने आप चाय बना लीजिए, हम भी कुछ कर. तो ये ब्रिटिश अंदाज है और अपने आप को हम बड़ा रॉयल फील करते हैं कि अच्छी इतनी क्रॉकरी में बढ़िया से सैंडविच के साथ और कि चाय मिली. तो ये अलग अलग डिफरेंट मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो मैंने बताए हैं. थैंक यू.